हाँ जी, तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की लास्ट डेट कब है रजिस्ट्रेशन की CSES पोर्टल के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या उनकी लास्ट डेट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें तो अभी उनकी CSES सेकेंड जो वो फेज है वो स्टार्ट हो गई है। तो अगर आपने अभी तक प्रिफ्रेंस वगैरह फिलअप नहीं किया तो आप लोग कर सकते हो। एंड बहुत सारे बच्चों ने तो अभी फेज वन भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो जो भी स्टूडेंट ने अभी तक पेमेंट वगैरह नहीं किया तो आप लोग पेमेंट करके फिर फेज टू आपकी स्टार्ट होगी। बहुत सारे स्टूडेंट के स्टार्ट नहीं हो रहे थे तो इसीलिए वो पूछ रहे थे कि उनकी कब से फेज टू स्टार्ट होगी। तो अगर आपने अभी तक पेमेंट वगैरह फीस की नहीं की है तो आपके फेज टू में आप लोग प्रिफरेंस वगैरह फिलअप नहीं कर सकते हो। जब आप लोग पेमेंट कर दोगे देन आप लोगों की प्रिफरेंस ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप लोग अपनी प्रिफरेंस कम्बिनेशन चूज कर सकते हो। तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें जो इनकी लास्ट डेट रहेगी फेज वन एंड फेज टू के लिए CSES पोर्टल के लिए वो रहेगी 10 अक्टूबर मंडे को। मीन्स 10 अक्टूबर तक आप लोग फेज वन या फिर फेज वन अगर कर लिया है तो फेज टू आप लोग प्रिफरेंस वगैरह फिलअप कर सकते हो। आफ्टर 10 अक्टूबर आप लोग नहीं कर सकते। एंड इनकी जो मेरिट लिस्ट वगैरह वो डेट होगी वो भी 10 अक्टूबर तक ये बता देंगे कि आपकी मेरिट लिस्ट फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट होगी वो कब रिलीज होगी। एंड जैसे ही इनके रिलेटेड कोई न्यू अपडेट मिलता है तो फिर मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।